अजी सुनते हो? हाँ बोलो भगवान। ये 1 जुलाई के बाद हमारा क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? 1 जुलाई को क्या जमीन फटने वाली है या पहाड़ गिरने वाला है? अरे तुम्हें पता नहीं, 1 जुलाई से सरकार नया टैक्स लगाने वाली है, GST। क्या भगवान, तुम भी ना सुनी सुनाई बातें करती हो, किसी की भी बातों पर भरोसा कर लेती हो। जरा समझदारी से काम लो, पहले सच तो जान लो। अरे 1 जुलाई से सारा सामान महंगा होने वाला है। कैसी बातें करती हो भगवान, ये GST तो सरकार ने हमारे ही फायदे के लिए तैयार किया है। 1 जुलाई से तो उल्टा 10 तरह के टैक्स के बजाय सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा, GST। अच्छा? हाँ, तुम्हें पता है GST के आने के बाद खुली दालों, गुड़, दूध, अंडों, दही, लस्सी, खुले पनीर, ताजी सब्जियों, नमक, प्रसाद, अनब्रांडेड आटा, मैदा और बेसन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और गर्भ निरोधक भी टैक्स के दायरे से बाहर होंगे। यही नहीं, कच्चे जूट और कच्चे सिल्क पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी? हाँ, इतना ही नहीं, कई रोजमर्रा की जरूरत की चीजों जैसे चाय, खाद तेल, भुने कॉफी बीन्स, पैक्ड पनीर, चीनी, टोंड दूध, घरेलू LPG, कोयला, सरकंडे और फूल की झाड़ू और जूतों पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। सूती धागा, कपड़ा कपास फाइबर, मिट्टी का तेल, बच्चों के लिए दूध से बने उत्पाद और अखबारी कागज भी इसी श्रेणी में आएंगे। मतलब ये सब भी सस्ता हो जाएगा? इनसे बनी चीजों के भी दाम कम होंगे? मतलब अब हमारे घर का खर्च कम हो जाएगा? मतलब उतने ही बजट में हम जरूरत की दूसरी चीजें भी खरीद पाएंगे? मतलब अब हम बचत के पैसों से बाहर घूमने भी जा पाएंगे? हाँ बिल्कुल सही भगवान, तुम तो बड़ी समझदार हो। समझदार तो अब हो गई हूँ, पहले तो GST में कर सिर्फ एक, फायदे जिसके होंगे अनेक। GST, एक राष्ट्र एक टैक्स, एक